बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 2 कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, सकून और हरकत। और आज हम उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन करेंगे, जो हमने डिराइव की थी इक्वेशन अबाउट मोशन, उसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। तो टॉक टू अल्लाह एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ओनली ही कैन सॉल्व देम। हम जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो हमें अल्लाह के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन ये तब तक हम काम नहीं कर सकते जब तक हम अल्लाह को जानते नहीं हैं। अल्लाह का तारुफ जो है वो कुरान मजीद है, और ये बड़ी ही बरकत वाली किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की, ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। हम तब तक इसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हम इसको तर्जमे से ना पढ़ें। प्यारे बच्चों, आज से कुरान गीत को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। अपने ऊपर लाजिम कर लें कम अज़ कम 3 आयात तर्जमे से पढ़ना। तो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अ बाइसिकल एक्सेलरेट एट 1 m² फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 m/s फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाई इट्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमारे पास इस प्रॉब्लम से इंफॉर्मेशन आई है वो इनिशियल वेलोसिटी है 4 m/s, एक्सेलरेशन 1 m² है, टाइम 10 सेकेंड है, और हमने डिस्टेंस कवर्ड बाई द बाइसिकल मालूम करना है। आपको पता है कि हमने सेकेंड इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at². तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे ये इक्वेशन लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 4 m/s है, टाइम 10 सेकेंड्स है, और एक्सेलरेशन 1 m² है, और हम उसका टाइम का स्क्वायर लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 10 × 40 आ गया, और हाफ इंटू 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 m प्लस अगर हम 250 और 100 इससे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 + 50 = 90। तो बाइसिकल विल मूव 90 m in 10 seconds, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल इन 10 seconds इज 90 m। आपने देखा कि इक्वेशन लगाने से हमने नामालूम वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारी एक दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, देखते हैं क्या है। अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, एक कार की वेलोसिटी 5 m/s है, इट देन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 m। इफ़ द वेलोसिटी रीच्ड इज 15 m/s, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो है इनिशियल वेलोसिटी 5 m/s, डिस्टेंस 50 m, फाइनल वेलोसिटी 15 m/s, और हमने एक्सेलरेशन और टाइम मालूम करना है। आपको पता है कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस तरह से डेराइव की थी, 2s = फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। हम ये इक्वेशन जो है अपनी प्रॉब्लम के साथ लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख ली 2as = फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। इसमें हम प्लेस करेंगे वैल्यूज, तो 2as हमारे पास 50 है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल 15 का स्क्वायर लेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 225, 15² = 225 माइनस 5² = 25 और डिवाइडेड बाय 100 m। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज 200 m² / 2nd² ओवर 100 m। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 m/s, ठीक है। 100 को
टू से डिवाइड हो गया और मीटर मीटर से कट गया, तो हमारे पास मीटर सेकेंड स्क्वेयर्ड आ गया। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी उसमें हमने देखा था कि एट इज़ इक्वल टू फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासिटी और टी इज़ इक्वल टू वेलासिटी इज़ डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो हम इस इक्वेशन को अपनी प्रॉब्लम के साथ लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं और टी हमने फाइंड आउट करना है। हम इसकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। फाइनल वेलासिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलासिटी 5 है और ए जो है हमने 2 मीटर सेकेंड स्क्वेयर फाइंड आउट किया। हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो 15 में से 5 गए तो 10 ओवर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। तो आप देखें कि हमने पहले एक इक्वेशन से एक्सेलरेशन इस्तेमाल की, फाइंड आउट की, और एक्सेलरेशन को इसमें लगा के हमने टाइम कर लिया। तो द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ 2 मीटर सेकेंड स्क्वेयर और टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड। आप कॉपी पेंसिल अपने हाथ में लें और इसको साथ साथ लिखते भी जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।